सेंट्रल जेल में दो कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कैदी के वकील ने न्यायालय में शिकायत दर्ज की है। इस समाचार के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, नाम ही पहचान है, एक बार अवश्य पधारे। सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच जमकर मारपीट की घटना घटी है। इसमें एक बंदी प्रेमचंद पासवान जख्मी भी हो गया। जेल प्रशासन ने उस पर सख्ती दिखाते हुए उसे सेल में डाल दिया। इस घटना की जानकारी उसके पिता अरुण पासवान को मिली। उन्होंने अपने वकील दीपक कुमार से संपर्क किया और पूरी घटना से अवगत कराया। बंदी के पिता ने जेल प्रशासन पर पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि उसके बेटे के साथ रंजीत समेत अन्य ने मिलकर मारपीट की। उन लोगों पर कार्रवाई करने के बदले जेल प्रशासन ने प्रेमचंद को ही सेल में डाल दिया। इधर पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया, मंगलवार को वे कोर्ट में अपील दायर करेंगे ताकि प्रेमचंद की सही स्थिति का पता लग सके। इसके अलावा डीएम से भी शिकायत की गई है। बंदी के पिता ने बताया, पिछले 2.5 साल से उनका बेटा हत्या और आर्म्स एक्ट के केस में जेल में बंद है। इधर कुछ दिनों से उसे जेल के भीतर अन्य बंदियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत कुछ दिन पूर्व भी उसने अपने पिता से की थी। जब तक वे कुछ करते तभी मारपीट की खबर उन लोगों को किसी माध्यम से पता लगी। इसके बाद न्याय के लिए कोर्ट का रुख किया गया है। पता चला हम आए हुए थे कोर्ट में 10 तारीख के, लड़का को तारीख था उस दिन जो है कि हमारा बोले लड़का की जो ऐसे ऐसे हमको हमारे सेल में बंद मारे मारपीट करके और जेल सेल में जो है कि हमको हमारे बंद कर दिया गया है और खाना पीना नहीं दिया जाता है। कौन मारपीट किया उसके साथ? रंजीत राम और जमशेद। अच्छा। और अज्ञात और आदमी उसमें थे। ये सब कैदी है? लगभग 2.5 साल हो गया। 307 में था। अच्छा। तो जेल में क्या है, ये सब इस तरीके का कर रहा है, कुछ बताया है? कहा है उसके साथ मारपीट हुआ है जेल में, कुछ बताया है? प्रताड़ित किया जाता है, हमेशा उसके साथ मारपीट किया जाता है, यही सब बात है। फिर क्या हुआ उसके साथ? आज आप कहाँ कुछ आवेदन वगैरह दे रहे हैं? हाँ, आवेदन दे रहा है कोर्ट में। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे उसको मारे सही सलामत रहे और सही सलामत उसको मारे सेल से निकले और खाना पीना मिले। टफ केस है, एक मोतीपुर 5919 केस है और उसमें पुलिस के द्वारा सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इसे मुदाला बनाया गया है इस केस में। उसके अलावा और कोई भी एविडेंस नहीं है पुलिस के पास, लेकिन तब भी पुलिस उनको इस केस में इन्वॉल्व किया है, दूसरे केस से इस केस में रिमांड पर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। आज क्या आवेदन दिया जा रहा है, क्या हुआ? आज चूंकि बेवजह जेल के अंदर उसे परेशान किया जा रहा है और उसे बिना किसी कसूर के टी सेल में डाल दिया गया है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग हम एडीजे साहब के यहाँ एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट कॉल फॉर करे जेल अधीक्षक से कि क्यों इस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, सूचना मिली है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 10-11 तारीख को उसके एक केस में जजमेंट हुआ था जिसमें वो रिहाई हुआ था और वो भी वही केस था। पुलिस कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर उसका नाम डाला था उस केस में और उसमें माननीय न्यायालय ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया है और वो केस समाप्त हो गया है। तो उस दिन उसने बताया भी था कि जेल में उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट भी किया जाता है।